हरे कृष्णा 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 हरे हरे। राम राम। मैं पंडित एस के मिश्र। भगवान शंकर ने वशीकरण का कुछ प्रयोग माता पार्वती को बताया था। आज मैं उन्हीं के बताए हुए प्रयोग को इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ। यह प्रयोग अपने आप में कितना विलक्षण होगा, कितना प्रचंड रूप से अर्थदायी होगा, इसका प्रमाण मुझे क्या देना है जब भगवान ने स्वयं ही माता को बताया था। बशर्ते आपको अपने गुरु पर, अपने इष्ट पर, आध्यात्मिक गुरुदेव पर श्रद्धा भाव विश्वास होना चाहिए और इस प्रयोग पर आपको विश्वास होना चाहिए। यदि आपकी एनर्जी बैलेंस है तो यह अवश्य ही प्रभावशाली होगा। जब भी आप कोई प्रयोग करें तो अपने एनर्जी को भलीभांति रीड कर लें और अगले को भी एनर्जी को रीड कर लें। आपके हस्तरेखा में क्या योग है, आपकी कुंडली में क्या योग है, ये सब दिखा करके चेक करने के बाद कोई वशीकरण का प्रयोग करेंगे, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और हमारे माध्यम से अगर वशीकरण करवाना चाहते हैं तो मैं आप लोग की एनर्जी को रीड करके, आप लोग का उचित मार्गदर्शन करते हुए, आवश्यकता पड़ने पर अपने भारतीय विद्याओं के माध्यम से, भारतीय शास्त्राओं, भारतीय तंत्र के माध्यम से, यंत्र के माध्यम से, मंत्रों के माध्यम से, जो हमारी अपनी परंपरा है उसके माध्यम से मैं आप लोग का समाधान करूँगा। और आपको तो पता ही है भारतीय विद्याओं में, भारतीय साधनाओं में इतनी क्षमता है, इतनी दिव्यता है, इतनी भव्यता है कि विश्व की समस्त समस्याओं का समाधान पल भर में, क्षण भर में दूर कर सकती है। और आप सभी हमारे माध्यम से अपने घर बैठे अपने जीवन से जुड़े हुए सभी प्रकार के समस्याओं का समाधान प्राप्त करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप पर मैसेज करें, अपना नाम, अपना तुरंत खींचा फोटो, जो भी समस्या हो साफ साफ लिखिए। फ़ोन कॉल का प्रयोग कदापि न करें, यह मेरा आग्रह है, रिक्वेस्ट है, क्योंकि ज़्यादा कॉल आने के चलते फ़ोन रिसीव नहीं होते हैं, आप लोग को भी कष्ट होगा। अतः मेरे इस आग्रह को स्वीकार करके सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप पर प्रयोग करें। फिर भी यदि आप फ़ोन करते हैं, कॉल करते हैं और आपका फ़ोन नहीं उठता है तो जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, कभी उठ सकता है, कभी नहीं उठ सकता है। हाँ, मैं जो समय दूंगा आपको उस समय आप कॉल करिएगा, मैं अवश्य आपको रिसीव करूँगा। एक बात और, वशीकरण का कदापि दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। किसी को ब्लैकमेल करने के लिए, से चीट करने के लिए, से हानि या क्षति पहुंचाने के लिए से इसका कदापि दुरुपयोग ना करें। यदि आप लोग को लगता है कि आपके रिश्तों में कड़वाहटें बढ़ती जाती हैं, बात बात पर लड़ाई झगड़े बढ़ते बढ़ते, तू तू मैं में बढ़ते बढ़ते मानो रिश्ता टूट ही जाएगा, ऐसा आपको लगता है, वहाँ पर इसका प्रयोग करें। रिश्ता कोई भी हो सकता है, पति पत्नी का रिश्ता हो सकता है, प्रेमी प्रेमिका का रिश्ता हो सकता है, माता पिता, पुत्र भाई बहन, इष्ट मित्र, दा कोई भी रिश्ता हो सकता है। रिश्तों को बैलेंस करने के लिए, रिश्तों में प्रगाढ़ता लाने के लिए वशीकरण का प्रयोग कर सकते हैं। और साथ में किसी को बस में करके उसकी जो तमाम बुराइयां हैं, जो तमाम ऐब है, जो नशा है, उसको भी दूर किया जा सकता है। अतः वशीकरण का प्रयोग कहीं भी गलत नहीं है। हाँ, किस भाव से आप प्रयोग कर रहे हैं यह आप पर डिपेंड करता है, मगर भूल करके भी किसी को ब्लैकमेल करने के लिए, से चीट करने के लिए, से हानि या क्षति पहुंचाने के लिए इसका कदापि दुरुपयोग नहीं करेंगे। हम आज के प्रयोग में चलेंगे, जो आपका प्रयोग विधि है। प्रयोग विधि अपने आप में बहुत चमत्कारी है। स्वयं भगवान शंकर ने कहा है, एक एक स्टेप को आपको बारीकी सुनना है, समझना है और पूरा वीडियो अंत तक देखना है। क्या करना है आपको, इस मंत्र का जो मैं बताने वाला हूँ, इसका प्रभाव इतना गजब का है, अगर किसी स्त्री को देख करके, किसी गर्ल को देख करके, किसी फीमेल को देख करके यह मंत्र अगर आप जाप कर देंगे तो आपके पीछे पीछे चली आएगी, दौड़ करके आएगी आपसे मिलने के लिए, ऐसा भगवान शंकर ने बताया है। इस मंत्र को पहले सिद्ध करना जरूरी है। मंत्र को सिद्ध करने का पूरा विधान एकांत में जाके इसको सिद्ध करना होता है, धूप दीप अगरबत्ती वगैरह जला के इसको सिद्ध करना होता है। अपने इष्ट का स्मरण कर लीजिए, आध्यात्मिक गुरुदेव का स्मरण कर लीजिए और आध्यात्मिक गुरुदेव को हमें हमसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश लेकर के यह प्रयोग करेंगे, आपको सफलता मिलेगी। मुझसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स नीचे आपको टाइप करना है कि मुझे आदेश दें, और रिप्लाई में मैं आपको हट का सिंबल या साइन देता हूं, तो आप समझिएगा कि आपको आदेश और आशीर्वाद मिल चुका है। इस प्रयोग को आप कर सकते हैं, कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में वही लोग कमेंट करें जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है, यदि आप उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस प्रयोग में जो मंत्र है वो है, ओम ह्रीम रक्ष रक्ष चामुंडे तुरु तुरु
अमू की माँ करसै करसै रिम अस्य पुना सुन ले ओम रिम रक्ष रक्ष चामुंडे तुरु तुरु अमू की माँ करसै अमू की माँ करसै रिम। पहले तो इस मंत्र को आपको 10 बार जाप करके सिद्ध कर लेना है, उसके बाद से एक और मंत्र है, उस मंत्र को स्त्री को देख करके फीमेल को देख करके आपको जप करना है। मंत्र है ओम चामुंडे ज्वला ज्वला प्रज्वल प्रज्वल स्वाहा। पुनः सुन ले ओम चामुंडे ज्वला ज्वला प्रज्वल प्रज्वल स्वाहा। यह मंत्र भी आपको 10,000 जपने से सिद्ध होता है। इस प्रयोग में मैंने 2 मंत्र बताया है, पहले 10,000 को सिद्ध करना है, उसके बाद से इस मंत्र को सिद्ध करके जिसको भी देख करके आप इसको बोल देंगे जप देंगे तो आपके पीछे पीछे चली जाएगी। श्रद्धा भाव और विश्वास को आजमा कर देखिए। धन्यवाद। राम राम।